हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों को भी हम कैसे इसे समझा सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, वॉइस जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो जिसे हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं ना, वो जिसमें जितने भी सेंटेंस रहते हैं टेंस में, वो एक्टिव वॉइस के तौर पर ही होते हैं। ठीक है, जैसे राहुल फुटबॉल खेलता है, जैसे टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाते हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाते हैं, जितने भी टेंस हैं उसके अनुसार जो है वो ये जो है इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज होता जाता है। ओके, जैसे देखिए राहुल फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आ गया, ये प्रेजेंट टेंस में है ये। तो फिर मेरी राय यही रहेगी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने से पहले आप टेंस अच्छे से देख लें, ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे ये। ओके, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, टेंस ही होता है। जैसे राहुल फुटबॉल खेलता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो राहुल प्लेस फुटबॉल, इसमें क्या लगता है, एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और जब निगेटिव सेंटेंस जब इसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो डू या डज का यूज होता है। तो इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट हो गया राहुल और खेलता है ये हो गया वर्ब। तो आ गया इसके बाद राहुल के बाद प्लेज, यहाँ राहुल है इसलिए यहाँ पर एस लग गया है। ठीक है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, फुटबॉल, तो राहुल प्लेज फुटबॉल, ये हो गया। अब इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए मतलब होता है, मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहता है, केवल उसे बदल दिया जाता है। जैसे हिंदी पहले हम देखेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश देखेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे राहुल फुटबॉल खेलता है, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब फुटबॉल राहुल के द्वारा खेला जाता है, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या है, राहुल सब्जेक्ट है, ठीक है, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ठीक यही उल्टा होकर के पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, तो फुटबॉल राहुल के द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ फुटबॉल हो गया सब्जेक्ट में, फिर राहुल हो गया ऑब्जेक्ट में। अब चलिए इसका इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश। अब राहुल प्लेज फुटबॉल है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दिया है, क्योंकि ये टेंस के हिसाब से यहाँ पर बदलते जाता है। हालांकि इसका सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, वर्ब का थ्री जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म, वो यूज़ होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा इज एम आर, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इज एम आर, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये बाई हमेशा आएगा, बी वाई बाई हमेशा यूज होगा इसमें। तो अब ये सब्जेक्ट में आ गया फुटबॉल, तो फुटबॉल, अब यहाँ इज हम सब्जेक्ट को देखते हुए यूज करेंगे, इज एम आर, तो फुटबॉल है तो फुटबॉल के साथ इज का यूज होगा, ठीक है। तो फुटबॉल इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ठीक है, तो फुटबॉल इज प्लेड, फिर बाय है तो बाय, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट जो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो राहुल बन गया ऑब्जेक्ट, तो राहुल हो गया, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राहुल। अब अगर यही फुटबॉल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फुटबॉल राहुल के द्वारा खेले जाते हैं, तो यहाँ पर फुटबॉल्स हो जाता और इच की जगह आर का यूज हो जाता। अगर प्लूरल रहता तो यही आर का यूज होता, ठीक है। तो हमें टेंस को देखते हुए ही इसे रखना है, बाकी ये जो फॉर्मूला है सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ चेंज होता जाएगा। यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इज एम आर का यूज हुआ है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यानी पी सी टी, मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। राम फुटबॉल खेल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा रही आ जाता है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एन जी लग जाता है।
साथ साथ मैं टेंस भी एक तरह से बता ही दे रही हूँ, ठीक है। तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, अब इसी का पैसिव वॉइस अगर बना है, राम फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल राम के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, फुटबॉल राम के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से फुटबॉल राम के द्वारा खेला जा रहा है, इसका मतलब इसका पैसिव बन जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल है तो इज लगेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ रहा आ गया तो आई एन जी लगा है, इसलिए यहाँ पर बींग हो जाएगा, बी ई आई एन जी, फुटबॉल इज बींग, फुटबॉल इज बींग प्लेड बाय राम हो जाएगा। तो फिर इस तरह से ये जो थर्ड फॉर्म है वो हमेशा यूज होगा हर, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब कंटिन्यूअस है तो इज बींग हो गया, अब यही बहुत सारे फुटबॉल रहते हैं तो आर बींग हो जाता, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बींग प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बाय है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म चलता है इसमें, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ मैं शॉर्टकट में पी आई लिख देती हूँ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया इसका, राम ने फुटबॉल खेला, तो इसमें क्या है, राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम वी टू प्ले का, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा राम प्लेड फुटबॉल। अब इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो फुटबॉल राम के द्वारा खेला गया, ठीक है, फुटबॉल राम के द्वारा खेला गया, तो इसमें इसका जो पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इज एम आर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर था इज एम आर, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा वाज वर्ब, पैसिव वॉइस हो गया इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुटबॉल, अब फुटबॉल एक ही है इसलिए वाज हो गया, वाज प्लेड बाय राम। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। उसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो राम ने फुटबॉल खेला, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राम फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी रहा रही लगेगा लेकिन था का यूज होगा, राम फुटबॉल खेल रहा था, तो राम फुटबॉल खेल रहा था, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब में इसमें आई एन जी लगेगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूं मैं, पीसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा राम वाज, अब राम एक ही है तो यहां पर एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस में बता रही हूं पहले, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए मैं साथ साथ टेंस भी आपको बताते जा रही हूं एक तरह से। अब इसी का पैसिव वॉइस अगर बनाना हो, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग और का यूज हुआ था, सेम उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या यूज हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस बींग, ठीक है, प्लस वी थ्री, वी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम हर पैसिव वॉइस में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा फुटबॉल पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, फुटबॉल एक ही है तो फुटबॉल वाज बींग, क्योंकि रहा रही आ गया इसमें, रहा था इसीलिए फुटबॉल वाज बींग प्लेड बाय राम, फुटबॉल राम के द्वारा खेला जा रहा था, इसलिए यहां पर बींग हो गया, वाज बींग।
अब यही पर बहुत सारे फुटबॉल होते हैं तो वर हो जाता है। देखिए मैं इसका हिंदी अब लिखते नहीं चल रही हूँ क्योंकि सेंटेंस एक ही है, बस वो टेंस के अनुसार अलग अलग होते जा रहे हैं। तो एक चीज मुझे पास्ट इंडिपेंडेंस में ये बताना था कि ये तो हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, राम ने फुटबॉल खेला तो राम प्लेड फुटबॉल हो जाएगा, लेकिन राम ने फुटबॉल नहीं खेला जब नहीं आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस जब होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो वहां डिड का यूज होता है और उसके साथ वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म चलता है, ठीक है। जैसे इसका मैं बता देती हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिडंट भी लिख सकते हैं, प्लस डिड नॉट भी लिख सकते हैं, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा, प्लेड नहीं होगा जब वी थ्री का यूज नहीं होता है, वी वन का यूज होता है, तो राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा। तो उसका पैसिव वॉज में कैसे हो जाएगा, फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय राम। अब फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, जैसे राम फुटबॉल खेलेगा, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा ये फ्यूचर टेंस बताता है, तो इसका हो जाएगा राम विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये हो जाएगा राम विल। देखिए सेल भी यूज होता है, विल भी यूज होता है, पर विल अब अधिकांश सेंटेंस में विल का ही यूज किया जाता है, तो राम विल प्ले फुटबॉल, यानी कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ वी वन का यूज होगा। अब इसी का पैसिव वॉइस अगर बनेगा तो फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल विल बी हो जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में विल बी का यूज होता है, तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय राम। तो बच्चों को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होगा, ये बेसिक चीज है एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है, जो मैंने बता दिया है। बच्चे समझे या नहीं आप इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं, जो इसे कोई भी एक्टिव वॉइस का आप सेंटेंस बनाकर दे दीजिए, सोना रीड्स बुक, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंटेंस दे दीजिए, इजी इजी सेंटेंस ही दे बच्चों को, जिसे वो पहले तो अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद वो आगे अच्छे से बनाएंगे। और यहाँ पर आप ऑप्शन दे दीजिए ये एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, अगर ये एक्टिव है एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस पे टिक लगाएंगे। उसी तरह आप पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस बना के दे दीजिए और फिर इसी तरह से आप दो ऑप्शन रख दीजिए, ठीक है। जब बच्चे अच्छे से समझ जाए कि हाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, पहचान कर ले, वो जब रिकॉग्नाइज कर ले अच्छी तरह से, तब आप उन्हें बनाने के लिए दे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दें, और आप चाहे तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी दे सकते हैं जिससे वो अच्छे से समझ पाए। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर हम कैसे दे सकते हैं उन्हें, जैसे मैं इसी सेंटेंस को लेकर चल रही हूँ, सोना रीड्स बुक। अब आपको पैसिव में इसका सेंटेंस देना है लेकिन उसे पूरा नहीं करना, बच्चों को देना है फिल करने के लिए, तो आप कुछ कुछ जो है वो आप लिख दें, जैसे बुक लिख दिया, यहाँ बाय लिख दिया, यहाँ फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ठीक है। आप इस तरह से दे सकते हैं जिससे बच्चे ये तो देख लेंगे कि हाँ बुक लिखा हुआ पहले, तो इसके अनुसार ही उन्हें फिल करना होगा, ठीक है, वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप कुछ कुछ हिंट आप दे देंगे। जब वो इसे भी कर ले अच्छे तरीके से, उसके बाद आप एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए दें, पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए दें, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को अच्छे तरह से उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो यहीं तक था, यहीं पर एंड करती हूँ मैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन आप सभी को प्रेस करना है जिन्होंने प्रेस नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाते रहती हूँ बच्चों के लिए, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।